हेलो, ओके, यस। सो गुड आफ्टरनून बच्चों। हाँ जी, सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या था हमारा? ओके, लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे हमारा ली स्क्वायर मेथड, ठीक है, डिमांड फोरकास्टिंग के लिए, जिसको हम लोगों ने ख़त्म किया था। एंड उसके एक दो क्वेश्चंस हम लोगों ने ट्राई किए थे। तो आज का जो सेशन है हमारा, ये भी वही रहेगा, हमारा डिमांड फोरकास्टिंग के ऊपर। और क्योंकि हमारा पहला मेथड ख़त्म हो गया यहाँ पर डिमांड फोरकास्टिंग के लिए, दैट इज़ ली स्क्वायर मेथड, तो हम दूसरे मेथड पे शिफ्ट करते हैं। और दूसरा मेथड आज जो हम पढ़ेंगे, वो हम पढ़ेंगे मूविंग एवरेज मेथड। तो आज हम स्टार्ट करेंगे मूविंग एवरेज मेथड। और मूविंग एवरेज मेथड अगर हम लोगों ने आज ख़त्म कर लिया, तो आज ही के सेशन में इसके बाद वाला जो मेथड है, दैट इज़ कैजुअल रिलेशनशिप मेथड, वो भी हम पढ़ लेंगे। अरे, कैजुअल रिलेशनशिप में ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, वो तो सीधा सीधा हम लोग को फॉर्मूला देखना और ख़त्म करना है। मूविंग एवरेज में हम थोड़ा एक दो को क्वेश्चन देख करके ख़त्म करेंगे, ठीक है? अच्छा पहले तो ध्यान दें, मूविंग एवरेज की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हम दो तरह के एवरेजेस पढ़ेंगे, दो तरह के मूविंग एवरेजेस पढ़ेंगे बेसिकली। एक हम पढ़ेंगे, अच्छा इसके बाद एक वो हम एक्सपोनेंशियल मेथड भी पढ़ेंगे, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, EMA, ठीक है? यस। तो मूविंग एवरेज में एक हम पढ़ेंगे सिंपल मूविंग एवरेज, दैट इज सिग्मा एक्स अपॉन एन। बहुत आसान, कि जितना भी टर्म्स दिया आपको उनको प्लस कर लो, नंबर ऑफ टर्म्स से डिवाइड कर दो, सिंपल एवरेज। दूसरा हम पढ़ेंगे वेटेड एवरेज, क्योंकि यहाँ पे वेट्स गिवन है, तो साथ में यहाँ पे वेट्स भी आ जाएगा आपका। यस, अपॉन सम ऑफ वेट्स, ठीक है? तो एक आप पढ़ेंगे इसमें वेटेड एवरेज मेथड, एक आप पढ़ेंगे सिंपल मूविंग एवरेज मेथड। अच्छा, इसको मूविंग एवरेज क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे हम टाइम के साथ साथ मूव करते रहते हैं। जब हम यहाँ पे एवरेजेस निकाल रहे हैं, तो एवरेजेस निकालते समय हम यहाँ पे टाइम के अकॉर्डिंग जितना भी मूविंग एवरेज दिया, जैसे सर क्या होता है, क्या क्या मूविंग एवरेजेस होते हैं, तो याद है मैंने आपको उसने कर्व दिखाया था, उसमें एक 20 मूविंग एवरेज था, एक 50 मूविंग एवरेज था। तो जब मैंने बोला 20, तो वो 20 डेज का मूविंग एवरेज है, कि हर 20-20 दिन का एवरेज। 4 मंथ मूविंग एवरेज, 3 मंथ्स मूविंग एवरेज, 2 मंथ्स मूविंग एवरेज। तो इस तरह से आप वहाँ पे टाइम्स में डिवाइड करके, आपके डेटा को टाइम में डिवाइड करके, आपका हर अलग अलग टाइम पीरियड के लिए आप उसमें एवरेजेस निकालते हैं, जिसको मूविंग एवरेज मेथड कहा जाता है। तो इसमें एक तो आपका रहेगा सिंपल सा सिंपल मूविंग एवरेज मेथड, और एक आपका रहेगा दूसरा वेटेड एवरेज मेथड। देखो, वेटेड एवरेज मेथड में कोई दिक्कत नहीं, वहाँ पे सब चलेगा, जो वेट्स देगा, जितना हमको वैल्यूज दिया उसको हम डायरेक्ट वेट से मल्टीप्लाई के सीधे सीधे कैलकुलेशन कर लेंगे, उसमें कोई तकलीफ नहीं आएगी। तकलीफ हमको थोड़ी बहुत देखने को मिल सकता है सिंपल मूविंग एवरेज के केस में, ठीक है? इसमें तकलीफ देखने को मिलेगा तुमको सिंपल मूविंग एवरेज के केस में, तुमको थोड़ा बहुत तकलीफ देखने को मिल सकता है। क्या तकलीफ मिल सकता है तुमको सिंपल मूविंग एवरेज के केस में? सिंपल मूविंग एवरेज, तो जब हम बात सिंपल मूविंग एवरेज की करते हैं बेटा, यहाँ पे दो तरह के केस आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है? यहाँ पे सिंपल मूविंग में आपको दो तरह के केस आपको देखने को मिलते हैं। एक केस होता है आपका इवन नंबर का, एक केस इसमें आपका होता है ऑड नंबर का। अगर इवन नंबर की बात है, इवन नंबर क्या, तो बताऊंगा अभी इवन नंबर क्या, किस चीज का इवन नंबर निकाल रहे, कैसे निकाल रहे, सब बताऊंगा। तो एक तो रहता है आपका इवन नंबर का केस, एक आपका रहता है ऑड नंबर का केस। अगर इवन नंबर का केस है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, इसका सोल्यूशन विल बी सिंपल विदाउट एनी एडजस्टमेंट, ठीक है? तो उसको आप ऐसे कह सकते हो, इस दिस इज योर नो पंगा केस, यानी इसमें कोई ऐसा पंगा नहीं ले रहे हम किसी से। सिंपल क्वेश्चन मिला, सिंपल सॉल्व कर लिया, आंसर निकल गया, निकल लिए घर बिना कोई तकलीफ के। ऑड नंबर अगर मिलता है क्वेश्चन सॉल्व करते समय, ऑड नंबर अगर हमको देखने को मिलता है,
तो वो हमारे लिए वहां पे पंगा खड़ा हो गया है बच्चे। वहां पे हमको पहले कुछ एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, उसके बाद हमको हमारा सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। तो दो केस होगा इसमें आपके सिंपल मूविंग एवरेज मेथड में, वन इज योर पंगा केस एंड अदर वन इज योर नो पंगा केस। ठीक है, एक सेकेंड दीजिएगा मुझे। तो देखो सिंपल मूविंग एवरेज में एक तो एक जगह आपका पंगा हो गया। पंगा क्या हो गया मतलब वहाँ पे तो आपको थोड़ा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, और एक जहाँ पे आप सिंपली ऐसा निकल लोगे। तो पता कैसे लगेगा? पता लगेगा नंबर से कि क्या वो इवन नंबर है या वो ऑड नंबर है। पर सवाल आता है दक्षता, सर इवन नंबर आके किसका इवन नंबर आप कह रहे हो, और अगर ऑड नंबर कह रहे हो तो किसका ऑड नंबर? तो इवन नंबर ऑफ व्हाट, तो इवन नंबर या ऑड नंबर किसका? तो सर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, यानी तुम्हारा जो एन रहेगा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, इसमें तुमको माइनस करना है। क्या माइनस करना है? नंबर ऑफ एवरेजेस। क्या माइनस करना है? नंबर ऑफ एवरेजेस। ये तुम्हारे 6 ऑब्जर्वेशन है और तुमको बोला गया 3 3 महीने का मूविंग एवरेज निकालो, तो तुमको पता लग रहा है यार 3 महीने के 4 ही मूविंग एवरेज निकल रहे हैं और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दिया है 6। तो 6 माइनस 4 कितना हो गया? 2, विच इज एन इवन नंबर। तो अगर इनको माइनस करके जो रिजल्टेंट वैल्यू आ रही है ना, इनको माइनस करके जो रिजल्टेंट वैल्यू आ रही है, इफ इट इज एन इवन नंबर तो दैट विल बी कॉल्ड एज नो पंगा केस। और अगर इनको माइनस करके, जैसे माइनस करके मुझे पता चला कि भाई 6 तुम्हारे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन थे और जब मैंने मूविंग एवरेजेस निकाले तो नंबर ऑफ एवरेजेस निकल के आ रहे 3, तो 6 में से 3 माइनस का तो बचे 3, तो दैट इज ऑड नंबर। तो वहां पे फिर वो पंगा केस हो गया, वहां पे आपको थोड़ा एडजस्टमेंट्स करना पड़ेगा। सिंपल इज दैट। सर नंबर ऑफ एवरेजेस कितने निकल रहे वो कैसे पता करेंगे? वो भी हम क्वेश्चन देखेंगे तो पता लग जाएगा। ठीक है, तो सिंपल, तो मूविंग एवरेज में 2 तरह के एवरेजेस हो गए, सिंपल और वेटेड। सिंपल में आपको ध्यान रखना है कि तुम्हारा केस कौन सा है, इफ इट इज इवन नंबर और इट इज दी ऑड नंबर। इवन और ऑड का पता कैसे लगेगा? किसका जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दिया उसमें से माइनस कर लेना है। क्या माइनस कर लेना है? नंबर ऑफ एवरेजेस। खत्म बात। तो सीधे कुछ नहीं करते, सीधे क्वेश्चन पे चलते हैं और उसको चेकआउट करते हैं कि क्या बताना चाह रहा है। ठीक है, ज्यादा कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है इसमें। तो ये अपना केस हो गया मूविंग एवरेज का। सेल्स दिया हुआ है हमको, ट्वेंटी थर्टी फोर्टी फिफ्टी सिक्सटी, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन तुम्हारे होगा इसमें एन 6। और यहाँ पे तुमको बोल रहा है कि तुमको फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? 3 मंथ्स सिंपल मूविंग एवरेज।
SMA for simple moving average, WMA will be for weighted moving average, EMA for exponential moving average. ठीक है, तो क्या निकालना भाई इसमें हमको, 3 मंथ्स का मूविंग एवरेज कितने एवरेज निकलेंगे? तो सर इसने कहा 3 महीनों का मूविंग एवरेज, तो 3 महीने का मूविंग एवरेज देखो कैसे निकलेगा। एक तो ये 10, 20, 30, फिर 20, 30, 40, फिर 30, 40, 50, और फिर 40, 50, 60 और भी निकलेंगे क्या? अगर 3 मंथ्स का मूविंग एवरेज निकालूं, 3 मंथ्स का एवरेज मतलब क्या हो गया ना, 3 महीने लेकर के उनका एवरेज निकालना बेसिकली। तो एक तो 10, 20, 30, एक 3 मंथ्स एवरेज ही हो गया, अगला हो गया 20, 30, 30, 40, ये एक आपका 3 मंथ्स का मूविंग एवरेज हो गया, एक आपका 30, 40, 50 और 40, 50, 60। इसके बाद और कोई मूविंग एवरेज क्रिएट हो रहा है क्या? नहीं, क्यों? क्योंकि जो टाइम पीरियड दिया वो 3 मंथ्स दिया है, तो 3 मंथ्स का और कोई क्रिएट नहीं हो रहा। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी हो गई? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी हो गई? 6। माइनस करो, क्या माइनस करा? नंबर ऑफ मूविंग एवरेज, कितने मूविंग एवरेज निकल के आ रहे हैं? 4। तो कौन आ रहा है रिजल्टेंट नंबर? 2, विच इज एन इवन नंबर, तो ये क्या हो गया? नो पंगा केस। तो क्या करना है? सिंपली सिंपली इनके एवरेज निकाल के लिख दो, जैसे जैसे क्या क्या आएंगे। तो ध्यान रहो, पहले वाले में कुछ नहीं लिखना, ठीक है? जो एवरेज है वो बीच में लिखना, क्या है वो एवरेज है ना, तो बीच में लिखोगे ना। तो 10, 20, 30 इनका मूविंग एवरेज कितना आ गया? तो सर 10 + 20 + 30 कितने मंथ्स का? 3 मंथ्स का, कितना आया? 10 + कर लेना भाई, प्लस करके देख लेना यार, 3। अबे 10 + 20 = 30, 30 + 30 = 60, 60 / 3 20 हुआ ना, 20। कैसे निकालते हैं एवरेज? ये क्या लिखा है मैंने इधर लिखा ना, सिंपल एवरेज का फॉर्मूला। क्या लिखा है सिंपल एवरेज का फॉर्मूला? सिग्मा एक्स अपॉन एन, तू क्या 6 से डिवाइड कर रही? किसने? कैलकुलेटर गलत कैसे बताएगा यार, कुछ भी भारी भारी दे रही है। चल 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 छोड़ो, नहीं जानना मुझे। क्या करना है? 3 मंथ्स मूविंग एवरेज है ना, 3 महीने का सेल्स फ्लो, और नंबर ऑफ ड्यूरेशन कितना हुआ? 3 हो ना, तो 3 से डिवाइड करना है, 6 से डिवाइड मत करना। और 2 से, तूने पहले 2 से करो, 2 से क्यों करा? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 3 मंथ्स है ना, तो 3 से ही डिवाइड करेंगे। 4 मंथ्स एवरेज होता तो 4 महीने के सेल्स थे, 4 से डिवाइड कर। तो 10, 20, 30 कितना आया? 20। तो ये इनका मूविंग एवरेज हो गया 20। फिर नेक्स्ट नेक्स्ट इज 20, 30, 40। तो 20, 30, 40, तो 20 + 30 + 40 / 3 ये हमारे पास आ गया 30। ये 30 आ गया इसका मूविंग एवरेज। अगला 30, 40, 50, 40 + 50, 90, 90 + 30, 120, 120 + / 3 तो ये कितना आ गया? 40। अगले का निकला 40, 50, 60, तो 150, 150 / 3 तो इसका आ गया 50। फिर क्या आ जाएगा? क्रॉस, क्योंकि इसके पास फिर मूविंग एवरेज। तो दिस इज योर 3 मंथ्स मूविंग एवरेज, खत्म बात। सिंपल मूविंग एवरेज के केस ये आपने अपने 3 मंथ्स की मूविंग एवरेज निकाल लिए, खत्म केस। क्लियर? ऐसा तो ये तो था नो पंगा के, कोई दिक्कत ही नहीं। कोई दिक्कत थी इसमें? नहीं कोई दिक्कत। दिक्कत कब आती? अभी कॉपी तो नहीं किया, कॉपी कर लेना थोड़ी देर में, इसका दूसरा केस भी इसी में करा दो, फिर एक साथ लिख लेना। दिक्कत कब आई? दिक्कत आई थी इसमें, इसी में समझना, इसी क्वेश्चन सेम वैल्यू सब सेम है ना, मुझे बोला गया वही सेल से ही सब है,
और इस बार बोल रहा है, बोले 4 मंथ्स का मूविंग एवरेज निकालो। क्या बोल दिया? 4 मंथ्स का मूविंग एवरेज निकाल के दो। तो 4 मंथ्स का मूविंग एवरेज, ठीक है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 6, कितने एवरेज निकल जाएंगे? तो 4 मंथ्स, एक तो 10, 20, 30, 40, 20, 30, 40, 50, और 30, 40, 50, 60, इसके बाद बनेगा क्या? तो नंबर ऑफ एवरेजेस कितने हो गए? नंबर ऑफ एवरेजेस हमारे हो गए 3, इनको दे दो। तो कितना बचा? 3, विच इज एन ऑड नंबर। तो यहाँ पे हमको थोड़ा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ पे हमको थोड़ा दिक्कत फेस करना पड़ेगा। दिस इज दी पंगा वाला केस। क्यों? क्योंकि जो रिजल्टेंट वैल्यू आई वो आई है ऑड नंबर। तो क्या करना पड़ेगा सर? तो देखो क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले शुरू के 4 महीनों का एवरेज निकालो। फिर अगले चरण का निकालो, मैं पहले एवरेज निकलवा के रख रहा हूँ। तो इसमें तुमने कहा 25, फिर 20 प्लस 30 प्लस 40 प्लस 50 वाले में तुम कह रहे हो 35, और लास्ट वाला जो है आपका 30 प्लस 40 प्लस 50 प्लस 60 वाले में तुम कह रहे हो, ठीक है। सो दीज आर दी 4 मंथ्स मूविंग एवरेजेस, ठीक है, ऑफ द गिवन डेटा। अब इनको प्लेस करना है। प्लेस कैसे करें? पिछली बार तो क्या था, तीन तीन था, तो उनके हमने पहला ऊपर एक छोड़ा, नीचे एक छोड़ा, बाकी 4 वैल्यूज हैं इनको भर दिया। इस बार 6 आपके पास वो आ रहे हैं और 3 जगह आपको फिल करना है। कैसे करें? ऐसा भी नहीं कर सकते भाई, वहां तो क्या था ना, मिडिल देख के हमने कर दिया था। 6 आपके पास प्लेसेस थी, 4 डेटा आपको फिल करने थे, तो इजीली ऊपर एक कट हो गया, नीचे एक कट हो गया, 4 जगह बीच में बचे वो हमने भर दिए। अब 6 केस है, 6 प्लेसेस हैं, भरना है तुमको 3 एवरेजेस, यहाँ पे कैसे भरे? चलो ऊपर का ये हटाते, नीचे का ये हटाते, फिर भी 4 प्लेसेस हैं, वी हैव 3 वैल्यूज, कैसे करें? मिडिल, एक सेकेंड एक सेकेंड, मिडिल नहीं निकल पा रहा है, क्या किया जाए? हाँ अब आप क्या कह रहे थे वो बोलो। 30 और 40 के नहीं, क्यों? हमने तो मूविंग एवरेज निकाल लिया ना भाई, मूविंग एवरेज निकालना तो अपन निकाल चुके हैं, अब इनका एवरेज नहीं निकालना, वो नहीं करना है। ये तुम वो बात कह रही होगी वो जो तुमने उधर थी की थी ली स्क्वायर मेथड में, नहीं वो नहीं करेंगे इधर, इनका एवरेज निकाल के सर, ना, इधर नहीं करना वो काम, क्योंकि इनका एवरेज आप ऑलरेडी निकाल चुके हो। मुझे 4 प्लेसेस हैं, मैं 3 भरनी है, क्या करूं? तो ये हो गया इम्पॉसिबल टास्क, क्योंकि ये एवरेजेस आपको फिल करने पड़ते हैं बीच में, इन द मिडल ऑफ द सीरीज जो भी आपको दिया। तो पिछले बारे में तो क्या था, इवन था, तो इजिली फिर हो गया पंगा केस। इसको इसलिए बोल रहे हैं क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप क्या नहीं कर पाओगे, उसको पूरी तरीके से फिल नहीं कर पाओगे, यहाँ पे आपके लिए मिडिल ढूंढ पाना मुश्किल है। तो क्या करेंगे यहाँ पे, समझो, यहाँ पे हम, ओहो ये क्या हो गया, ये इतना बड़ा कहाँ से आ रहा है? तो 4 मंथ्स में क्या करना है यहाँ पे आपको, इसमें अब आपको ऐसे कॉलम बना लेने हैं, क्योंकि वैल्यूज निकल गई, मैं इनको यहाँ से हटा रहा हूँ, तुम लोगों ने बताया मुझे, क्योंकि तो वही यूज मिलेंगे। टेन, तो 10 और 20 के बीच में आपको क्या करना पड़ेगा, खाली स्पेस निकालना पड़ेगा, क्योंकि इस बार हमारे पास बीच में भरने के लिए स्पेसेस नहीं है, तो हमको बीच में रखनी वैल्यू। तो क्या करेंगे हम, 10 और 20 के बीच में भी एक ऐसा कॉलम बना देंगे, कॉलम नहीं, काइंड ऑफ रो, रो बना देंगे, ये एक रो, 20 30 के बीच में एक रो, ऐसे सब नंबर के बीच में आप रो बना दोगे। एक तो नंबर खुद,
और एक और नंबर के बीच का डिस्टेंस, क्या 60 के बाद भी बनाऊं? 60 पे रुक जाओ, ठीक है, खत्म। इस तरह के तुम्हारा ये बनेगा। तो अब तुमने जो एवरेजेस निकाले, सुनना, अब तुमने जो एवरेजेस निकाले वो इन नंबर्स के बीच में तुमको फिल करना है। बीच में कितनी प्लेसेस हैं वो मैं बताता हूँ तुमको। बीच में देखो कितनी प्लेस है, 10 20 के बीच में एक ये हो गया, 20 30 के बीच में दो ये हो गया, 30 40 के बीच में तीसरा ये हो गया, 40 50 के बीच में चौथा ये हो गया, 50 60 के बीच में पांचवा ये हो गया। तो इस बार क्या हो गया, पांच ही प्लेस बची और नंबर कितने फिल करने हो सकते हैं? एक ऊपर हटाओ, एक नीचे हटाओ, तीन नंबर बीच में आ गए। तो हमने ये एडजस्टमेंट कर लिया, मैं बोल रहा था ना इसमें एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। तो एडजस्टमेंट क्या करना पड़ा तुमको, प्लेस को एडजस्ट करना पड़ा, कि वहां तुमने डायरेक्टली उन नंबर के सामने रख के सीधे सॉल्व कर लिया था। यहाँ पे क्या करना पड़ा, हमने अलग से एक स्पेस क्रिएट करी इन बिटवीन दी नंबर्स, और अब जो नंबर फिल करने हैं वो नंबर के सामने नहीं करने, वो इन बिटवीन दी स्पेसेस फिल करने, और उनमें अब आप देख लो कि कितने आपके पास बचे नंबर फिल करने को और प्लेसेस कितनी है। बोले पांच है, तो पहले वाला हटाओ, पहले वाले को क्रॉस करो, मैं दूसरे कलर से कराऊं ताकि तुम डिफरेंशिएट कर पाओ, नहीं तो कॉलम्स में फिर तुमको दिक्कत होगा देखने में, ठीक है। पहले वाला निल, आखिरी वाला निल। अब क्या कर दो, तुमने एवरेजेस निकाले थे 25 35 45, उनको जाकर के फिल कर दो। कहाँ फिल करोगे, स्टार्टिंग से 25 इधर, तो देख लो 10 20 30 40, इन चारों के अगर देखोगे ना तो ये जो वैल्यू फिल हुई ना बिल्कुल उनके मिडिल में ही हुई है, हुई है, काउंट कर लो। 25 से ऊपर तीन कॉलम, 1 2 3, 25 से नीचे तीन कॉलम, 30 40 और चार वो कॉलम क्या रो, बीच में फिल हुआ, हाँ बीच में फिल हुआ। फिर अगला निकाल दो, मैं 35, 35 को किधर फिल करूंगा, 30 और 40 के बीच में। तो ये किसके, ये किसका हो गया, ये इनका हो गया, देख लो ये भी इनके मिडिल में ही आ रहा है बच्चों, आ रहा है। फिर सिमिलरली लास्ट निकाला था आपने 45, ये 45 को फिल कर दिया यहाँ पे, ये इन चारों के बीच का मिडिल हो गया, और लास्ट फॉर्म ने वैसे छोड़ा है। तो ये हमारे क्या कैलकुलेट हो गया, 4 मंथ्स मूविंग एवरेज। यहीं खत्म नहीं, यहाँ खत्म नहीं हुआ बेटा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये वैल्यूज तो बीच में आ रही है, हमको जो सेल्स है ना हमारी उनके सामने के मूविंग एवरेज निकालने पड़ते हैं। जैसे यहाँ पे निकाला ना तो ये इनके मूविंग एवरेजेस आ गए इजीली नंबर के सामने सामने। तो जब तक तो मेरे पास नंबर के सामने की वैल्यू नहीं आ जाएगी ना, मैं उसको नहीं कर सकता, छोड़ नहीं सकता, ठीक है। तो क्या करेंगे यहाँ पे, जो 8 9 है मैं बता रहा हूँ, हाँ क्या कहा आपने, उनका भी एवरेज कर लो, जो मूविंग एवरेज निकाले उनका भी एवरेज कर लो। तो यानी 25 और 35 का एवरेज कर लें, कितना आएगा 30। अब पर तुम समझो 25 इज इटसेल्फ अ 4 मंथ्स मूविंग एवरेज, 35 इज इटसेल्फ अ 4 मंथ मूविंग एवरेज। तुमने 2 4 मंथ मूविंग एवरेज को लिया और उनका भी एवरेज निकाल लिया, तो ये कितने मंथ का मूविंग एवरेज हो गया, 8 मंथ मूविंग एवरेज। तो यहाँ पे हमारा एक कॉलम बन जाएगा अलग से। यस एग्जैक्टली, तुमने सही कहा, ऐसा तुक्के में बोल दिया तुमने, पता सही कहा, क्या निकल जाएगा, एक सेकेंड। तो यहाँ हमारा निकलेगा 8 मंथ्स मूविंग एवरेज, ठीक है। कैसे स्टार्ट करेंगे, तो अब इनको फिल करो, कहाँ फिल करोगे, ये पांच के बीच में, समझ रहे हो भाई, ये पांच है ना, इन पांच के बीच में। तो कहाँ से स्टार्ट करें, कैसे स्टार्ट करें, पहले वाले को तो छोड़ दो, क्योंकि 8 मंथ्स है तो 25 और 35, तो ये वैल्यू यहाँ आएगी, सही सही मार्क कर रहा हूँ मैं, 25 और 35 के बीच में आएगी ना, तो उससे पहले वाले दो नंबर आपके क्या हो गए, क्रॉस। 35 और 45 कहाँ पर आएगी, यहाँ, तो उसके बाद का नंबर क्या हो गया, क्रॉस।
नहीं यहाँ ये 35-45, सॉरी मैंने गलत मार्क किया, सही मार्क किया ना मैंने, 35 और 45 की वैल्यू बीच में आएगी ना उधर, 25-35 की वहाँ बीच में आ रही थी है ना, तो दो नंबर यहाँ भी खाली रह गए, तो 10 के सामने कोई वैल्यू नहीं जाएगी। और अरे ये मैंने ये वाला क्रॉस गलत लगा दिया है, हाँ ये वाला क्रॉस गलत लगा दिया मैंने, 20 के सामने जाएगी, 20 के सामने कोई वैल्यू नहीं जाएगी, फिर एक छोड़ा यहाँ एक वैल्यू जाएगी, यहाँ एक वैल्यू जाएगी, और फिर ये। तो तुम्हारा 8 मंथ्स मूविंग एवरेज बन गया, कितना आ रहा है तुम्हारा 8 मंथ्स मूविंग एवरेज, तो 25 और 35, पहले क्या कर लो चाहो तो लिख दो या फिर डायरेक्टली कैलकुलेट कर लो, तो सर 25 प्लस 35 कितना हो गया हमारा, कितना हो गया 60, तो 60 डिवाइड बाय 9 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कितने मंथ का मूविंग एवरेज निकाल रहे हो, 8 मंथ मूविंग एवरेज। इसलिए क्या करो पहले इन दोनों को प्लस करके लिख दो, यहाँ पे कोई जल्दी नहीं है, कुछ मत करो, सीधा क्या करेंगे जो ध्यान से एक एक स्टेप ध्यान से लिखेंगे, पहले इन दोनों का टोटल कर दो, यहाँ पे ये आ गया 60, एवरेज ही निकाला अभी ठीक है, फिर इन दोनों का टोटल लिख दो यहाँ पे, 35-45 कितना आया 80। अब इनका 8 मंथ्स मूविंग एवरेज तुम्हारा यहाँ पर आ जाएगा, इसको मैं लिख देता हूँ 8 मंथ्स टोटल, इसको लिख देते हैं 8 मंथ्स मूविंग टोटल, ये तुम्हारा 8 महीने का मूविंग का टोटल आ गया, हमने पहले टोटल निकाल लिया, ओके फिर हम निकालेंगे अब क्या 8 मंथ्स सिंपल मूविंग एवरेज, अब निकालते हैं एवरेज, तो टोटल आ गया सबका, अब निकाल लो एवरेज, तो इनसे तो कोई मतलब ही नहीं, इधर कुछ नहीं आएगा इधर कुछ नहीं आएगा, तो 60, तो 60 को आप डिवाइड कर दो किससे, नंबर ऑफ 8 टर्म्स 8, तो 60 डिवाइड बाई 8 कितना आ गया बताओ, हाँ 7.5, इसी तरह 80 डिवाइड बाई 8 तो इसका मूविंग एवरेज आ जाएगा, हाँ 7.5 आएगा, सही है, तो ये तुम्हारा फाइनली आंसर आ गया, तो यहाँ पे तुम्हारा ये खत्म होगा इस तरह से, हाँ भाई दक्षता क्या देख रही हैं आप बताएं, पहले 4 मंथ्स मूविंग एवरेज निकालो, फिर उनका टोटल करके 8 मंथ्स का मूविंग टोटल निकालो, फिर टोटल निकाल करके उसके बाद उसका एवरेज निकालो, ठीक है, तो ये तुम्हारा पूरा एंटायर प्रोसेस रहेगा, व्हेन 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 व्हेन, इसलिए इसको पंगा केस बोल रहे, सिंपल में तो क्या था वैल्यूज निकाली खत्म, यहाँ पे पंगा केस क्यों बोल रहे, क्योंकि पहले तो भैया बीच में रोस लगानी पड़ी, फिर उनको उसमें फिल करना पड़ा, उसके बाद जो भी मूविंग एवरेज, जैसे मान लो 3 मंथ्स मूविंग एवरेज होता तो उसका डबल 6 मंथ्स मूविंग टोटल निकालते, फिर उस 6 मंथ्स का मूविंग एवरेज निकालते, इस तरह से आया समझ में बात, तो ये तुम्हारा ऑड नंबर वाला केस हो गया सिंपल मूविंग एवरेज का। हाँ भाई दक्षिता जी क्या समझ में नहीं आया, बोलो, तुम्हारा शक्ल पता नहीं क्या बोल रहा है, क्या जा रहा है बोलो, हाँ 4 मंथ्स का टोटल निकाला है, दो कैसे, अच्छा हाँ क्योंकि बेटा उनके सामने कोई टोटल ही नहीं ना, एक्स प्लस 25 थोड़ा लिखूंगा, नहीं, अच्छा सर समझो समझो, जो वैल्यूज है ना उधर ध्यान दो, 4 मंथ्स का आपने मूविंग एवरेज निकाला है, 25 और 35, 25 खुद एक 4 मंथ का एवरेज है, 35 खुद एक 4 मंथ का एवरेज है, दोनों का प्लस करा 4 महीने इसके 4 महीने इसके, तो ये क्या आ गया 8 मंथ्स का मूविंग टोटल आ गया, एवरेज नहीं आया, 8 मंथ्स का मूविंग टोटल, सिमिलरली 35 और 45 8 मंथ्स का मूविंग टोटल, अब 25 से ऊपर एक्स है, अब एक्स की तो वैल्यू नहीं ना, तो उधर 8 मंथ्स का नहीं निकल रहा ना टोटल, तो उसको खाली रखा, फिर 20 20 के तो कोई वैल्यू नहीं थी, वो खाली रख दिया, जो टोटल आई थी वो 25 और 35 आई थी, तो वो तो दोनों के बीच में थे,
अब क्योंकि ये भी एवरेज निकालना है, तो ये उन दोनों के बीच में आएगा, तो वो अपने आप 30 के सामने चला गया, समझ रहे, वो अपने आप 30 के सामने चला गया, ऐसे नीचे हो गया। तो यहाँ पे तुमको एक तो वैल्यू तो अरेंज करनी है प्लेस देख करके, फिर तुमको उसका डबल निकाल करके टोटल करके के, फिर वापस से उसका मूविंग एवरेज निकालना है। इसे इसको पंगा केस बोलते हैं, दैट इज दी ऑड नंबर। तो ये सिंपल मूविंग एवरेज खत्म हो गया। तो दिस वाज योर सिंपल मूविंग एवरेज, खत्म कर लो उसको कॉपी जल्दी से, यहीं से करना ना, जल्दी से नोट डाउन कर लो उसको।
अरे मेरा माइक बंद था, शिट्स। एक क्वेश्चन है बच्चों, सिंपल मूविंग एवरेज निकालना है फॉर 5 मंथ्स, इजी। तो पहले नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन तुम्हारे हो गए इसमें 8, और नंबर ऑफ एवरेजेस तुम्हारे हो गए इसमें कितने, 1, 2, 3, 4। तो जो नंबर बचा बचा है 4, दैट इज एन इवन नंबर, तो ये नो पंगा केस हो गया तुम्हारे लिए। तो फटाफट से कर लो इसको, बहुत इजी है। आ गया, ओके। क्या क्या वैल्यूज आई, तो पहले देखो, पहले फर्स्ट 5 मंथ्स ना, सॉरी 5 मंथ्स, फर्स्ट 5 मंथ्स, तो 500 प्लस 600 प्लस 800 प्लस 700 प्लस 700, तो 1400, 2200, 2800, 3300, 3300 डिवाइड बाय 5, 660। तो इसको प्लेस करोगे कहाँ, प्लेस करोगे तो देखो सर, कौन से महीने के उसमें जाएगा ये मूविंग एवरेज, तो इसको मुझे लिखना पड़ेगा पूरा, रुको। जनवरी, फेब्रुवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और ये अगस्त। तो क्योंकि ये 5 महीने का है, तो अपने पास कितने एवरेजेस बनेंगे यहाँ पे, 4। जगह कितनी है, जगह कितनी है, 8। तो क्या करेंगे, ऊपर के 2 हटा देंगे, नीचे के 2 हटा देंगे। तो पहला जो एवरेज आया 660, ये कहाँ जाएगा, मार्च में। फिर 600 प्लस 800, 1400, 2100, 2800, 3600, 3600 डिवाइड बाय 5, 720, यहाँ आ गया 720। फिर 800, 700, 1500, 2200, 3000, 3600, अगेन 720, ठीक है। और लास्ट आपका 1400, 2200, 2800, 3300, अगेन तुम्हारा 660। ये तुम्हारा सिंपल सिंपल क्या आ गया, 4 मंथ्स का मूविंग एवरेज, सॉरी 5 मंथ्स का मूविंग एवरेज तुम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया अंदर क्वेश्चन, ये तो हो गया। अब करो इसका थर्ड पार्ट, सिंपल मूविंग एवरेज फॉर अ पीरियड ऑफ 4 मंथ्स। अच्छा एक बात ध्यान रखना, ये मूविंग एवरेज आएगा ना, इसको आप प्लॉट भी करते हैं। जैसे मार्च का महीना आया तो मार्च के मतलब है 660, तो 660 जाऊंगा वहां पॉइंट लगा दिया। अप्रैल का महीना 720 वहां पॉइंट लगा दिया, तो इससे तुम्हारा इसका एक लाइन बन जाती है, और उसको आप अपना एक्चुअल जो सेल्स है उससे भी देख सकते हो, पता लग जाए कितना डेविएशन आ रहा है, ऐसा चीज। हाँ भाई चलो, सिंपल मूविंग एवरेज कैलकुलेट करो फॉर अ मंथ ऑफ 4 मंथ्स, फॉर अ पीरियड ऑफ 4 मंथ्स।
आ गया जो कर रहे हो, थोड़ा प्लेस एडजस्ट कर रहे हो। चलो मैं भी करता हूँ अब। इसको तो अपन को वहीं करना पड़ेगा, यहाँ पे जगह नहीं बचेगी अपने पास। नहीं तो ठीक है, प्रॉपर करते हैं। ओके सो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। मुझे सेल्स लिखवाना इनका, एक मिनट तुम्हें रुक करके प्लीज सेल्स बता दो। थैंक यू, करो अपना काम। हाँ भाई, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इज 8, नंबर ऑफ एवरेजेस चार चार निकालने हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये पांचवा। तो पांच एवरेजेस निकल के आ रहे हैं, रिजल्टेंट वैल्यू 3 है, विच इज एन ऑड नंबर, पंगे वाला केस हो गया। तो बना दो भाई नए नए रो। तो 5 मंथ्स एवरेज निकालना है, ठीक है भाई। तो 5 मंथ्स, सॉरी 5 थोड़ा ना, 4 मंथ्स, 4 मंथ्स सिंपल मूविंग एवरेज। तो क्या करें, तो 3 नहीं 5 निकलेंगे, हमें 10 प्लेस बना ली। तो क्या करें, सबसे पहले फिल कर दो। किस किस को फिल करोगे, कहाँ फिल करना है, 500 क्या के फिल करोगे? नहीं, 500 और 600 के बीच में जाएगा आपका क्रॉस, ठीक है भाई। प्लेसेस फाइंड कर लो सिंपल। तो एक प्लेस, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, सात प्लेस हैं, पांच फिल करने हो जाएंगे इजीली। पहला क्रॉस कर दिया, लास्ट का क्रॉस कर दिया, अब वैल्यूज रख दो। तो जैसा तुम लोगों ने मुझे बताया वैल्यूज निकाल ली थी, है ना। नहीं, इस बार 4 मंथ्स की है, 660 इस बार वो नहीं आ गया, इस बार लगाया ना 4 मंथ, 4 मंथ्स, 500, 600, 1100, 1100, 800, 1900, 1900, 700, 2600, 650, ऐसा बता रहे हो आप, ठीक है 650। तो 650 कहाँ जाएगा, यहाँ। फिर अगला 600, 800, 1400, 1400, 2100, 2100, 700, 2800, 2800, 7 डिवाइड किया 4 से, 700, बिल्कुल सही। हाँ, यहाँ नहीं आएगा, यहाँ आएगा मार्च अप्रैल के बीच में। फिर उसके बाद 800, 800, 1500, 1500, 1500, 3000, 3000, 750, ये 750 यहाँ आ गया। उसके बाद 700, 700, 1400, 1400 और 1400, 2800, अगेन 700। और फिर उसके बाद 700, 800, 1500, 1500, 500, 2000, 2600, 650 अगेन। तो सही फिल कर दिया अपन ने सारी वैल्यूज को, हाँ सर सही फिल कर दिया। तो हमारे क्या आ गए, 4 मंथ्स के मूविंग एवरेजेस। खत्म हो गया क्या यहाँ पे क्वेश्चन? नहीं। अब क्या निकालोगे, इसका डबल। तो 8 मंथ्स मूविंग टोटल निकलेगा, कहाँ कहाँ फिल करेंगे बच्चों? तो सर इनके बीच में फिल करना पड़ेगा इस बार। तो 500 वाले में कोई वैल्यू आएगी क्या? नहीं। 600 वाले में कोई वैल्यू आएगी क्या? नहीं। ओके, तो 650 प्लस 700 कितना हो गया, 1350, ठीक है। फिर 700 प्लस 750,
1450, मैंने गलत फिल करा, हाँ गलत फिल कर दिया मैंने, यहाँ आएगा फिर 750 पे 700, अगेन 14550, फिर 1350, फिर कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। तो स्पेसिस मैनेज हो गई, एवरेजेस निकल गए, अब इनका क्या निकाल लो, 8 मंथ्स मूविंग एवरेज निकाल लो। एट मंथ्स सिंपल मूविंग एवरेज तो किस किस के बीच में निकालूंगा? ओके सब चारों को तो नहीं लेना, हाँ तो 1350 डिवाइड बाय 8, 1450 डिवाइड बाय 8, 1450 डिवाइड बाय 8, 1350 डिवाइड बाय 8, हाँ भाई कितना आया? 160, ठीक है 1450 डिवाइड बाय 8, 181, ठीक है। तो ये हमारी सारी वैल्यूज आ गई है, हमारे मूविंग एवरेजेस कैलकुलेट हो गए, खत्म। तो ये तुम्हारा सिंपल मूविंग एवरेज का केस हुआ, और एक क्वेश्चन भी तुम लोगों ने कर लिया, पंगा वाला केस है, नो पंगा केस, दोनों तुमको दिया हुआ है। बताओ कोई दिक्कत इसको समझने में? अब है जी, नहीं बिल्कुल भी दिक्कत नहीं ना, अब इसी क्वेश्चन का एक और पार्ट क्या बोल रहा है, वेटेड मूविंग एवरेज फॉर अ पीरियड ऑफ 3 मंथ्स टेकिंग वेट एज 121, तो क्या निकालना है, वेटेड मूविंग एवरेज। तो वेटेड मूविंग एवरेज का मैंने फॉर्मल लिखवाया आपको, क्या लिखवाया, तो मैंने आपको कहा कि कुछ नहीं करना, सम ऑफ वेट्स एंड जो आपको ऑब्जर्वेशन दी उनको मल्टीप्लाई कर लेना, डिवाइड कर देना विद द सम ऑफ वेट्स से। तो एक पहले क्वेश्चन मैं करवाता हूँ, और फिर इसी क्वेश्चन का आप वेटेड से खुद आंसर कर लेना, ठीक है? चलो देखो, तो बात कर रहे वेटेड एवरेज, क्योंकि मुझे करना है क्वेश्चन, मैं वैल्यूज छोटी लूंगा, तुम लोग क्वेश्चन बड़ी लेना। वेटेड मूविंग एवरेज एक्चुअली सेल्स, अच्छा एक बार ध्यान देना, जब हम वेटेड मूविंग एवरेज निकालेंगे ना बच्चों, तो यहाँ पे कभी पंगे वाला केस आएगा ही नहीं, हमेशा क्वेश्चन में तुमको इस तरह की वैल्यू देगा जो बेटा नो पंगे के होगा, ठीक है? तो वेटेड वाले में ध्यान रखना, कभी पंगे वाला केस आएगा ही नहीं, तो उसमें जितने भी केस आएंगे वो सारे नो पंगा केस हैं तुम्हारे, डोंट वरी, बिना कोई उसके। तो हर बार तुमको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन में से माइनस करोगे नंबर ऑफ एवरेजेस, तो तुमको इवन वैल्यू ही मिलेगा। चलो तो सेल्स दे दी, वेट्स तुमको दिए हैं, यहाँ पे बोल रहा है कैलकुलेट करना है तुमको 3 मंथ्स का वेटेड मूविंग एवरेज, जिसमें 3 मंथ्स का मूविंग एवरेज है ना, 3 मंथ्स का वेटेड मूविंग एवरेज, तो हर एक मंथ की खुद ये क्या करेगा, आपको वेट्स देगा। ऐसा नहीं कि 10, 20, 30, 40, 50 पांच अलग अलग महीनों के हैं तो इनके सबके अपने अपने वेट्स दे रखे होंगे, नहीं, कितने मंथ का मूविंग एवरेज निकालना है, 3 मंथ का, तो 3 मंथ के तुमको वेट्स दे देगा कि पहले मंथ का वेट इतना, सेकेंड मंथ का वेट इतना, थर्ड मंथ का वेट इतना। जैसे कि मान लेते इसमें मैं वेट्स ले लेता हूँ आपके 1 to 1, वेयर वेट्स आर गिवन एज फॉलोस 1 to 1, तो अब मुझे क्या निकालना है, मूविंग एवरेजेस, कितने मूविंग एवरेजेस निकलेंगे 3 मंथ्स के, 1, 2, 3, 5 में 3 का कितना बचा, 2, इवन आ गया अपने आप ही। तो निकाल लें वेटेड मूविंग एवरेज डायरेक्टली, हाँ कैसे करेंगे, तो सर 3 मंथ्स का है तो इनका बीच किधर आएगा, इनका बीच आएगा 10, 20, 30 के अंदर, 20 के बीच में। तो देखो, तो पहला है 10, 10 का वेट कितना है, इस बार वेट से मल्टीप्लाई करना है ना, हाँ 10 का वेट कितना है 1, 20, 20 का वेट कितना है 2, 30, 30 का वेट कितना है 1, डिवाइड बाय सम ऑफ वेट्स दैट इज 4, ठीक है? सम ऑफ वेट्स 1 + 2 + 1 4 हुआ ना, अरे बेटा डिवाइड करेंगे किससे, सम ऑफ वेट्स से, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से नहीं, सिग्मा वेट लिखा है ना, वेट्स कितने कितने तेरे को 1, 2, 1, तो
तो सम ऑफ वेट्स कितना आया, सिग्मा डब्ल्यू कितना आया, चार है ना। हाँ सम ऑफ वेट्स बेटा, नंबर ऑफ वेट, नंबर ऑफ तो बोल ही नहीं रहा मैं, सम ऑफ वेट्स ही तो कर रहा हूँ, लिखवाता था अभी तो सिग्मा वेट लिखवाया था ना तेरे को, देख सिग्मा डब्ल्यू एक्स इंटू सब सिग्मा वेट्स भाई, डब्ल्यू इंटू एक्स करके जो वैल्यू आएंगे उनका भी सम करना है, फिर वेट्स का भी सम करना है, तो होगा खत्म। ठीक है चलो, सिमिलरली पहले नीचे वाले की वैल्यू लिख लेते हैं, फिर कर कर देना प्लस माइनस। नीचे वाले में 20 के साथ वेट कितना रहेगा, 1। 30 के साथ वेट कितना आएगा, 2। 40 के साथ वेट कितना आएगा, 1 डिवाइड बाय सम ऑफ वेट्स, अगेन वही 4। फिर 30 40 50, तो 30 इंटू 1 40 इंटू 2 50 इंटू 1, जिनके आपके वो आ जाएंगे वेट्स, 10 प्लस 1 10 इंटू 1 10, 20 इंटू 2 40, 30 इंटू 1 30, 20 इंटू 1 20, 30 इंटू 2 60, 40 इंटू 1 40 डिवाइड बाय 4, 30 इंटू 1 30, 40 इंटू 2 80 प्लस 50 डिवाइड बाय 4, निकाल लो वैल्यूज, 80 डिवाइड बाय 4 20, 120 डिवाइड बाय 4 30, 80 80 160, 160 डिवाइड बाय 4 40, तो ये तुम्हारे वेटेड मूविंग एवरेजेस आ गए 20 30 और 40, सिंपल से खत्म खत्म कहानी, दिस इज योर वेटेड मूविंग एवरेज। कोई दिक्कत इसमें, आसान है, जल्दी से कॉपी कर लो और फिर जो क्वेश्चन है उसका वो वाला कर लो, बुक वाला, उसमें आपको भी वेटेड मूविंग एवरेज निकालना है, 3 मंथ्स का वेटेड मूविंग एवरेज निकालना है, और वेट्स आपको सेम ही दिया है, 1:1 ही दिया है, कोई दिक्कत ही नहीं है। ध्यान देना इन क्वेश्चन में, इन मूविंग एवरेज के थ्रू सेल्स फोरकास्ट करने को नहीं कह रहा, इसलिए हमने सेल्स फोरकास्ट नहीं करी है, इसने सिर्फ कैलकुलेट करने को कहा था, मूविंग एवरेज हमने कैलकुलेट करके दे दी, मूविंग एवरेज इतना ही क्वेश्चन है हमारा ये, इसलिए हमने इसको इतना ही करा है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है, इससे कम कुछ। लिख के कर लिया ये नोट, चलो तो क्वेश्चन ये रहा तुम्हारा, वेट मूविंग एवरेज निकालो 3 मंथ्स का, वेट वही 1:1, चलो नंबर ऑफ एवरेजेस कितने निकलेंगे, 5 नहीं, 1 2 3 4 5 6, तो 8 - 6 = 2, इवन इवन ही आ गया, चिंता मत करो, मैंने कहा तुमको इसमें वेटेड वाले में हमेशा तुमको इवन नंबर ही मिलेगा, तो 6 एवरेज निकल रहे हैं, क्या करोगे, 8 वैल्यूज हैं, तो ऊपर का एक क्रॉस, नीचे का एक क्रॉस, और फिर बीच में फिल करते जाओ, और वेट्स लेना ध्यान से कि मल्टीप्लाई करना है सबको,
आ गया, चलो कैलकुलेटर नहीं क्या तेरे पास, तो लाया कर। कैलकुलेटर का यूसेज ऐसा होना चाहिए कि तू आंख बंद करके भी आराम से कैलकुलेट कर सके। चलो देखें, आ जाओ बताना। तो उसी में मैं उसी को हटा देता हूँ, इसी को वापस कर लेता हूँ इधर ही, ठीक है। तो वेटेड मूविंग एवरेज कितने मंथ का? 3 मंथ्स वेटेड मूविंग एवरेज। यहाँ पे वेट्स मुझे दिए हुए हैं 1 to 1। ध्यान रखना जब भी आप ये वेटेड मूविंग एवरेज का कॉलम ये बनाओगे ना कॉलम, तो हमेशा वेट्स को वहीं पे मेंशन कर देना, ठीक है। सो तुम लोग कैलकुलेशन को वहीं शो करते हो तो तुम ऐसा बता दिया कि तुमने वेट्स से लेकर के कैलकुलेट किया है, ठीक है। तो 500 × 1 यानी 500 प्लस 600 × 2 यानी 1200 प्लस 800 तो 2500। 2500 डिवाइड बाय 3, क्या हो गया 4? हाँ 4। हे, कैसे करा 3 से डिवाइड? अच्छा ठीक है फिर, मैं तो तुम लोग को टेस्ट कर रहा था। अरे किससे डिवाइड करोगे? सम ऑफ वेट से। तो 1 + 2 + 1 दैट इज 4, ठीक है। तुम खुद ही देख लो 2500 को 3 से डिवाइड करते पॉइंट्स में नहीं आया था, इतना गंदा नहीं देगा तुम कुछ क्वेश्चन, चिंता मत करो। हाँ तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 2500 डिवाइड बाय 4 कितना आया? 1 to कितना? 6 to 5। कहाँ फिल करूँ, पहले वाले में क्रॉस लास्ट वाले में क्रॉस? 6 to 5। फिर 600 प्लस 1600 प्लस 700 डिवाइड बाय 4 कितना हो गया? 600 प्लस 1600 प्लस 2200, 2200 2900, 2900 डिवाइड बाय 4 कितना आया? 7 to 5। इसी तरह 800 प्लस 1400 प्लस 700 तो 2100 प्लस 2800 2900 अगेन 7 to 5। फिर 700 1400 प्लस 800 ओके अगेन 7 to 5, वैल्यूज ही ऐसी हैं। फिर 700 प्लस 1600 प्लस 600 वही 2900, 7 to 5 अगेन। और लास्ट में 800 प्लस 1200 प्लस 500 625। तो वैल्यू हमेशा वैसे आपकी ऐसे रिपीटेटिव आएगी, चिंता ना करें, ठीक है। तो दिस इज योर 3 मंथ्स वेटेड मूविंग एवरेज। खत्म, कहानी खत्म यहीं पे। ठीक है इस फाइल में देखो मूविंग एवरेज के कितने क्वेश्चन हैं, और ये तो एक्सप्लेनेशन स्मूथनिंग का मेथड है, नहीं ये नहीं करोगे तो पढ़ोगी। ये सिंपल एवरेज है, ये वाला करोगे 6th वाला, ठीक है। ये रिग्रेशन वाला हो गया, 7th वाला करोगे, ये भी रिग्रेशन ये भी करोगे। इनको करना है इसलिए कि अगर किसी क्वेश्चन में दिक्कत आता तो फिर पूछ लोगे अल्टीमेटली। तो एक क्वेश्चन बच तो एक एक ही क्वेश्चन बच रहा है इसमें जो बचेगा तुम्हारा, दैट इज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, वो तुमको कल कल ही कराऊंगा। तो कल एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज करेंगे, पहले उसका एक क्वेश्चन करेंगे खत्म करेंगे उसको, फिर तुमको कंट्रोल एक्सपेरिमेंट मेथड बता दूंगा, फॉर्मुला ही उसका, उसको क्वेश्चन करने की जरूरत है नहीं। जो फॉर्मुला हमारा रिग्रेशन का था ना वही हमारा उसका कैजुअल रिलेशनशिप का होता है, बस बात यह है वहाँ पे हम कोई ऐसा ओरिजिन से माइनस नहीं करते हैं। एंड उसी के बाद हम कल कल ही जो है हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो रहेगा प्रैक्टिकल का वो स्टार्ट करेंगे। व्हाट वाज आवर सेकंड टॉपिक, क्या लिखवाया गया था आप लोग को? यस, तो कल हम स्टार्ट करेंगे सिमुलेशन। ये कल ही हमारा खत्म हो जाएगा, डिमांड फॉरकास्टिंग खत्म है, इसमें और कुछ नहीं करना हमको। ये मेथड्स जितना थ्योरी था सारा लिखवा दिया तुमको, सारे मेथड्स हो गए यहाँ पे जो पढ़ने के थे। कल हम इसमें एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का एक क्वेश्चन वो करके कल हम उसमें सिमुलेशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चल कर मिलते हैं।